CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय में CAA व NRC के विरोध के नाम पर इस्लामिक आतंक पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि CAA व NRC के समर्थन में हिंदू महासभा पहले दिन से है, लेकिन भारत में ऐसी कई ताकतें हैं जो राजद्रोही ताकत है। आज दिल्ली में शाहीन बाग, अलीगढ़ में AMU, जामिया ऐसे केंद्र बने हुए हैं जो देशद्रोहियों का अड्डा बने हैं। यहाँ से जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त है, वो भारत विरोधी है। यहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। आज की नहीं मुखालफत वहाँ पे ये थी कि जिस वक्त जिस जगह पर सिर्फ औरतें और बच्चे बैठकर के कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वहाँ पे अगर प्रदेश भर से भारी संख्या में भीड़ आ जाएगी तो अफरा तफरी मच सकती है, जैसा 19 दिसंबर में हुआ था। हम लोगों ने उनसे ये बात करके रखी है, एक बात उनके सामने जो शायद रिहाई मंच करा रहा है, मुझे अभी उसके बारे में कन्फर्म नहीं है। तो उन्होंने ये कहा गया है कि वहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को ही रहने दें और बाकी जो वहाँ पे पुरुष हैं भाई वो सब वहाँ से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि जब भीड़ जितनी अंदर होगी और उतनी ही बाहर रोक के बाहर इकट्ठा होगी तो यकीनन कुछ ना कुछ उसमें जो है वो पुलिस वैसे ही ताक लगा करके बैठी हुई है। जब वो महिलाओं को नहीं बख्श रही है तो वो हमारे घर के मर्दों को क्या बख्शे। क्या मानती हैं आप ये प्रोटेस्ट को खत्म करने की साजिश? हाँ एग्जैक्टली, मुझे तो पूरा इस बात का यकीन है, बल्कि हम लोगों ने बैठ के इस पर पूरी शो वो गौर किया तो ये यही है कि इस भीड़ को इकट्ठा होने को देखिए, आपकी इंटेलिजेंस नहीं पता कर पा रही है, आपने कितने फोन सर्वेलांस पे लगवा रखे होंगे, आपको नहीं मालूम है कि 9 तारीख को क्या होने जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन सब भोले बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये सोच रही है कि भीड़ इकट्ठा हो और मुझे फिर वही 19 दिसंबर वाला रोल अदा करने का मौका मिले और ये एहतजाज खत्म हो जाए। इसलिए हम लोगों ने 10 बजे तक गुजारिश की थी कि इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, ये आर पार की कोई मैदानी जंग नहीं है जिसको एक ही दिन में लड़ लिया जाएगा, ये एक लंबा आंदोलन है, लंबी लड़ाई है, मुल्क और मुल्क के संविधान को अपनी आइडियोलॉजी को भी साथ में बचाने की लड़ाई है, इसलिए इसको लंबा चलना चाहिए और इस तरह का कोई जल्दबाजी में कदम ना उठ जाए जिससे कि प्रोटेस्ट जो है वो इसमें कोई किसी किस्म का हानि हो इसमें। और NRC के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा पहले दिन से है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो राजद्रोही ताकतें कही जा सकती हैं, जिन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया हुआ है। आज दिल्ली में शाहीन बाग, अलीगढ़ में AMU, JNU, जामिया, ये ऐसे केंद्र बने हुए हैं जो आज देशद्रोहियों का अड्डा बने हुए हैं। यहां से जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त है, भारत की विरोधी है, वहां राष्ट्रद्रोही गतिविधियां लगातार हो रही हैं। सरजील से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो आज के युग के मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देश में घूम रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इन लोगों को तत्काल वहां से खदेड़ा जाए। ये जो भी संस्थान है ये केंद्र सरकार के संस्थान है जो हमारे द्वारा दिए हुए पैसे के अनुदान से चलते हैं, उन सभी संस्थानों को सेना के हवाले कर दिया जाए। ये लोग बोली की भाषा नहीं समझते हैं तो उन्हें गोली की भाषा समझाई जाए, लेकिन सरकार को चाहिए कि देशद्रोहियों को गोली मारनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के ये मामला शांत होगा। ये आज केंद्र सरकार के प्रवक्ता से लेकर के हमारे कानून मंत्री तक कह चुके हैं कि CAA का किसी भी भारतीय से कोई मतलब नहीं है, ये किसी भी भारतीय पर लागू नहीं होता, उसके बावजूद भी इसके नाम पर आज देश में भड़काया जा रहा है, इसके नाम पर देश में अराजकता पैदा की जा रही है, ऐसे लोगों को वहां पर मुफ्त में बिठा करके बिरयानी खिलाई जा रही है। तो ये फंडिंग कहां से आ रही है इसकी जांच सरकार कर भी रही है और मैं समझता हूं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरी यही मांग है कि प्रदेश में धारा 144 लागू है, हिंदूवादी कार्यकर्ता अगर कोई आंदोलन करता है तो उन पर गुंडा एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है, तो आखिर वो धारा 144 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या शाहजमाल में क्यों नहीं लागू होती है, सरकार वहां पर क्यों नपुंसक नजर आती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में सरकार क्या भीड़ तंत्र के आगे डर रही है, क्या उन लोगों की भीड़ उन लोगों की गुंडागर्दी के आगे सरकार डरी महसूस कर रही है,